أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، کئی جمعے سے میری اور آپ کی گفتگو کا موضوع مذہب اسلام کے ایک سب سے اہم رکن کے متعلق چل رہی ہے، ایمان کے بعد مذہب اسلام کا اگر کوئی سب سے اہم رکن ہے تو وہ نماز ہے. نماز ہی کے متعلق میری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ آخر انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، انسان کیسے اپنے رب کے سامنے سر کو جھکانے والا بنے گا، انسان کیسے اپنے رب کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والا بنے گا. تو میرے پیاروں یاد رکھو، اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری اور اہم ہیں. اگر انسان نے اپنے اندر وہ دو باتیں پیدا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. لیکن ضروری ہے کہ وہ دو باتیں اپنی زندگی میں لانی پڑے گی، ان دو باتوں کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا پڑے گا. ان دو باتوں کے متعلق تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا پڑے گا کہ بات تو بہت مختصر سی ہے لیکن بہت ہی قیمتی بات ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک تو اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے اور ایک اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا ضروری ہے. یہ دو باتیں جب ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بھی بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا بھی بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والا بھی بنے گا اور معاصی کے راستے کو چھوڑ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بھی گزارے گا. اگر ہم ایک بات پر عمل کرتے ہیں جب بھی کامیابی نہیں مل سکتی، صرف اللہ کا خوف اگر دل میں لے کر کے بیٹھ جائیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں خوف نہیں ہے صرف امید لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار ہے غفار ہے، اللہ حلیم ہے رحیم ہے کریم ہے، اللہ کی رحمت کی صرف امید لے کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو وہ زندگی عمل سے کوری اور خالی رہے گی. کیونکہ اپنی زندگی کو امید کے سہارے پر چھوڑ دیا. تو یہ دو باتیں جو آپ کے سامنے
फिक्र करनी है, इस बात का है दो पैमान करें कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे, आएंगे ना इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से जवाब देना चाहिए ताकि सामने वाले को बात कहने में आसानी हो, पता लगे कि सुनने हैं जाग रहे हैं। तो ये दो बातें जिस इंसान ने अपने पल्ले बज़बान देहात जैसे हम बोलते हैं, जो इंसान दो बात को अपने पल्ले से बांध लेगा, याद रखो जब उसकी कानों में अल्लाह अकबर की सदाए पड़ेगी तो कितने सख्त काम के लिए जा रहा होगा, तो उस काम को छोड़ करके पहले अपना सर आ करके रब की बारगाह में झुकाएगा। क्यों? इसलिए कि उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ भी पैदा हो गया और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी। जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो अमल करेगा, और जब अमल करेगा तो अल्लाह की रहमत के भी फिर उम्मीद बंद। लेकिन इंसान ने अपने असली मकसद को भुला करके आज आरजी जिंदगी पर मेहनत और कोशिश कर रहा है, जबकि जो असल जिंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जो कभी फना नहीं होने वाली, उस जिंदगी के लिए मेहनत करनी थी, उस जिंदगी के लिए अपना एक अच्छा खूबसूरत हसीन और जमील रजिस्टर तैयार करना था, उस रजिस्टर को हमने गुनाहों से भर रखा। पता नहीं 24 घंटे के अंदर कितनी अल्लाह की नाफरमानियां, कितनी सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ते हैं, और फिर ऊपर से जिस मकसद के लिए इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और उसके लिए अल्लाह ने इस दुनिया को सजाया और बसाया, इस ज़मीन को पानी पर बिछाया, तो इंसान के लिए अगर इस ज़मीन के कोने से पहाड़ों को हटा दिया जाए, ये ज़मीन रुकने वाली नहीं, इंसान ज़मीन पर रुक नहीं सकता। देखो मेरा अल्लाह किसी कैसी नेमतें आपके लिए अता की, ताकि मैं जब इंसान को दुनिया में भेजूं तो मेरा बंदा अपने खालिक को मालिक को न भूले, जब उसकी नेमतों की तरफ नज़र पड़े तो फौरन वो शुक्र बजा लाए और मेरा शुक्र अदा करे, मेरे सामने झुक जाए कि मेरे मौला तेरा शुक्र है। ये आसमान बगैर सुतून के जो हमारे राम के ऊपर सारा किए हुए हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये चांद और सूरज जो हमारी नजरों से काफी दूर लेकिन इनकी रोशनी से हम फायदा उठाते हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत। रब की कसम, अगर अल्लाह ने गिलास पानी की नेमत के मुताबिक सवाल कर लिया तो दुनिया का कोई ताकतवर, दुनिया का कोई हुक्मरान उसका बदल अता नहीं कर सकता है। हाँ, किताब के अंदर भी लिखा है कि एक इबादत गुजार जिसने 500 साल तक अल्लाह की ऐसी इबादत की जो अल्लाह ने मकबूल कर ली, उसके बावजूद उसके दिल के अंदर एक तकब्बुर घमंड आ गया। जब उसका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद जब अल्लाह के दरबार में पेश किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, दिलों के अंदर जो बात है, इंसान जो सोचता है अल्लाह उसको जानते हैं। जब अल्लाह के दरबार में पेश किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मेरे बंदे,
जा मैं तुझे अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता करूं। उस बंदे ने कहा, उस इबादत गुजार बंदे ने कहा, ए मेरे मौला, मैं आपकी रहमत से नहीं बल्कि मैंने 500 साल तक जो आपकी इबादत की उसके मुकाबले में जन्नत चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ जरा इसको जहन्नम के करीब लेकर के जाओ। चुनांचे जब उसको जहन्नम के करीब ले जाया गया और शिद्दत की प्यास लगी, जबान लड़खड़ा गई, हाँ शिद्दत की प्यास लगी, अब उसने फरिश्ते ने कहा मुझे प्यास लगी है मुझे पानी पिला दो। फरिश्ते ने कहा यहाँ फ्री का पानी नहीं मिलता, यहाँ दौलत नहीं चलती, यहाँ दिरहमो दीनार नहीं चलते, यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ चलता है आमाल का सिक्का। अगर तू एक गिलास पानी मांगेगा तो एक गिलास पानी तुझे उस वक्त मिलेगा, उसके बदले मिलेगा जो तूने 500 साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। उसने कहा दे दो इबादत ले लो। चुनांचे उसको एक गिलास पानी दिया गया। अब पानी पी लिया, फरिश्ता उसको लेकर के अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचा और पहुंचने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बता क्या हुआ कि अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो तकब्बुर घमंड आया था वो खत्म हो गया। यकीनन अगर कोई जन्नत में जा सकता है वो तेरी आपकी रहमत के जरिए ही जा सकता है, आपके करीमी के सदके में ही जा सकता है, कोई अपने आमाल की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो नमाज के मुताल्लिक कि जो नमाज हम पढ़ें उसके अंदर इखलास लिल्लाहियत का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि लोग मुझे नमाज़ी कहें, लोग मुझे ये कहें कि बड़ा नमाजी है, बड़ी लंबी लंबी किराते करता है, बड़े लंबे लंबे रुकू करता है, बड़े लंबे लंबे सजदे करता है। अरे वो तो रात को उठ कर के तन्हाई में जा कर के अल्लाह की इबादत करता है, वो तो बड़ा नमाज का पाबंद है। इसलिए नहीं करनी बल्कि सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करनी है, रज़ाए इलाही के लिए करनी है। लेकिन आज हम करेंगे तो तब जब हमारे पास वक्त मौजूद हो, कामों के लिए वक्त है, अगर नहीं है तो सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए नहीं। जबकि मकसद असली इंसान का यही है, अल्लाह तबारक व तआला का इस दुनिया को बनाने का मकसद भी है। अगर अल्लाह को सिर्फ अपनी हमद सना बयान करानी मकसूद होती तो अल्लाह की नूरानी मखलूकात जो कहीं इंसानों से कहीं ज़्यादा है, जो कभी अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं करती, अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ती, कोई रुकू के अंदर, कोई क़याम के अंदर, कोई सजदे के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया है वैसे ही वो अमल कर रहे हैं। लेकिन इंसानों ज़रा सोचो, फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा क्यों किया, इंसान को पैदा क्यों किया, मेरे रब का मकसद क्या था कि उसके लिए इस पूरी कायनात को सजा दिया, इसके अंदर हसीन और जमीन, खूबसूरत दरख्त, हरे भरे बाग, तरह तरह की फुलवारियाँ, घास फूस, नबातात, हैवानात, तमाम तरह के चरिंदों परिंद इस दुनिया के अंदर ला दिए। आखिर क्यों? एक इंसान की दिल लगी के लिए, ताकि इंसान अकेला पन महसूस न करे। अगर अल्लाह चाहता तो एक मुल्क के अंदर सिर्फ एक इंसान को भी रख सकता था, लेकिन
अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत भी बे इंतहा करता है, लेकिन बंदा कितनी मोहब्बत करता है, इतनी भी नहीं करता कि जितना एक गुलाम अपने मालिक अपने आका से करता है। उसकी मिसाल देकर के समझाता हूँ। एक बादशाह है, उसका एक गुलाम है जिसका नाम आयाज है। नौजवानों खास तौर से तुम्हारी तरफ नजर है, गौर करना, तन्हाई में जाकर के बैठ जाना और अपनी जिंदगी का मुआयना करना, क्योंकि कल कयामत के दिन हिसाब देना है। दुनिया का रजिस्टर के अंदर गुनाह चढ़ाया गया, मिटाया जा सकता है, लेकिन रब की कसम जो अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते तेरे एक एक सेकंड लम्हात के गुनाह को लिख रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती है। बादशाह के जो दूसरे गुलाम और खादिम थे वो आयाज से बहुत चिढ़ते थे। चुनाचे बादशाह ने सोचा इनकी अकल का इम्तिहान लिया जाए, इनकी अकल को परखा जाए कौन ज्यादा अकलमंद है और कौन ज्यादा बादशाह की बात को मानने वाला है। बादशाह ने एक कीमती हीरा मंगाया और अपने वजीरों को दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद एक वजीर के हाथ में हथौड़ा दिया और एक हीरा दिया कि इसको जमीन पर रख दो और तोड़ डालो। चुनाचे उस वजीर ने कहा कि इतनी कीमती हीरा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। चुनाचे उसने इनकार कर दिया, दूसरे को दिया उससे भी यही कहा गया, उसने इनकार कर दिया, तीसरे को दिया उससे भी यही कहा, उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब बारी आती है आयाज की, आयाज क्या करता है, आयाज के कानों में बादशाह का हुक्म पड़ता है, आयाज हथौड़े को उठाओ, हीरे को जमीन पर रखो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। चुनाचे आयाज ने हथौड़ा हाथ में लिया, हीरे को जमीन पर रखा, हथौड़ा मारा और हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बादशाह ने कहा कि आयाज तुम भी इनकी तरह कह सकते थे। आयाज ने कहा कि ए बादशाह बात सुन लो, एक तरफ आपका हुक्म था और एक तरफ इस हीरे की कीमत थी, लेकिन मेरे नज़दीक हीरे की कोई वक़्त कोई कीमत नहीं थी बल्कि आपके हुक्म की कीमत थी, इसलिए मैंने हीरे को तोड़ दिया। लेकिन आज हमारी नजरों में अपने खालिक और मालिक की कोई कदर मंजिलत नहीं। हकीकत बया ही है, अगर कदर मंजिलत होती रब की कसम नमाज नहीं छोड़ सकते थे। जो रब ने कुरान में मकसद को बयान किया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अरे वो गुलाम से सबक हासिल करो जो अपने मालिक के हुक्म को मान करके हीरे को तोड़ देता है, और तुम्हारा मालिक भी जिसने तुझे एक नापाक रुपये से जिंदगी बसी है, तो कुछ चीज नहीं था, नापाक नुतफा था, नापाक पानी था, उससे तुझे खून बनाया, जमा हुआ लोटा बनाया, फिर तेरे अंदर हड्डियां डाली, फिर तेरे अंदर जान बसी, उसके बाद तुझे दुनिया में लाया, गोया कि तुझे जिंदगी अटा की और आज तुम उसका नाफरमान बन गए। सोचने का मकाम यही है। अरे साहबा की जिंदगी को याद करो, तीरों की छाव में रह करके नमाजें नहीं छोड़ी, नमाज को छोड़ करके डकार न लेने वालों जरा सोचो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में है, तलवार के साए में है, तलवारें चल रही हैं, लेकिन रब की कसम जब नमाज का वक्त आ गया है, अल्लाह की बारगाह में कर रह गए हैं, गर्दन तो जिस्म से जुदा हो गई,
लेकिन फर्ज़ मनसबी से नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन आज हम भी मुसलमान कहलाने वाले, उस शाह रसूल कहलाने वाले, दम भरने वाले, अल्लाह से मुहब्बत करते हैं, रसूल का दामन पकड़ के चलने वाले, जरा गौर करो अपनी जिंदगियों पर कि हमारी जिंदगी किधर जा चुकी है। खाने से काम नहीं चलता कि वक्त नहीं है या कपड़े खराब हो चुके, इससे काम चलने वाला नहीं। तैयारी करके जाना, मैदान महशर होगा, मैदान महशर में जो सवाल होगा यही होगा नमाज के मुताबिक। बाद में सवाल होगा तेरे अखलाक कैसे थे, तैने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, वो तमाम सवाल बाद में होंगे। पहले तेरे से पूछा जाएगा जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था उसके मुताबिक, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे पैदा किया था उसके बारे में बता, तो उस मकसद को पूरा करके आया या नहीं आया। मैंने तेरे मकसद के लिए इतनी नेमतें तुझे दी, इतनी नेमतों से फायदा हासिल किया, उन्होंने उस मकसद के अंदर कामयाबी हासिल क्यों नहीं करी? क्या तुझे बतलाया नहीं गया? क्या तुझे समझाया नहीं गया? आखिर वजह क्या थी जो तू मेरे घर से दूर बैठा रहता था? उधर नमाज हो रही होती थी, उधर मुअज्जिन की सलाहें तेरे कानों में पड़ती थी, लेकिन क्या तेरे दिल के अंदर मेरा खौफ नहीं आया? क्या जहन्नम के वादी का तज़किरा तेरे सामने नहीं किया गया? क्या मेरे महबूब की हदीसें तेरे पास तक नहीं पहुंची? सब कुछ पहुंची है, एक एक चीज के बारे में सवाल किया जाएगा कि रातन का तिबीन लिखने वाले, दुनिया के कैमरों से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, रिकॉर्ड नहीं हो सकती। याद रखो, तन्हाई के अंदर हो, उजाले के अंदर हो, अंधेरे के अंदर हो, कहीं भी हो, लेकिन जो किरामन का तिबीन ये तेरी वीडियो बना रहे हैं, ये तेरा रजिस्टर जो तैयार कर रहे हैं, एक एक लम्हात का तैयार हो रहा है, कल क़यामत के दिन खोल करके तेरे हाथ में दे दिया जाएगा। अगर तेरे आमाल अच्छे होंगे दाएं हाथ में दिया जाएगा, अगर तेरे आमाल बुरे होंगे तेरे बाएं हाथ में दिया जाएगा। फिर भगा करेगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होएगा, खून के आंसू बहाएगा, फायदा हासिल होने वाला नहीं है। अब इसके के इस जिंदगी को गनीमत समझो खत्म होने से पहले, और इसको संवारने की कोशिश करो। जो मकसद जिंदगी है आरज़ी जिंदगी पर भरोसा न करो, असली जिंदगी की तैयारी करो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।